बाजडी विधानसभा क्षेत्र का ये रेहा गांव है, ये घाघरा नदी का कटान, कीमती उपजाऊ जमीनें घाघरा नदी में समाहित हो रही हैं, कट कट के गिर रही हैं। ये आप देख सकते हैं कटान का ये दृश्य। यहाँ SDM साहब बाजडी के मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि प्रयास हो रहा है और प्रयास में यहाँ मजदूर लगाए गए हैं, कटान को रोकने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जब गांव की जनता से बात हुई, तो गांव के लोगों का ये कहना है कि ये कटान तभी रुकेगा जब यहाँ बोल्डर आएगा, बोल्डर आएगा तभी कटान रुकेगा। SDM साहब ने भी इस चीज़ को गंभीरता से लिया है। अब शासन और प्रशासन को भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि यहाँ तीन गाँव हैं, तीनों गाँव की जनता जो भयभीत है, कटान से परेशान है। ये कटान का दृश्य देख सकते हैं और ये सामने आइए भीड़ का दृश्य देखिए। जो अभी जैसे ही पता चला कि कटान बहुत तेज़ी से हो रहा है तो गांव के लोग नदी के किनारे आ गए हैं। उधर SDM साहब से बात हो रही है और योगेश्वर सिंह दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। SDM साहब के बीच जनता यहाँ पहुँची है, अपनी पीड़ा अपनी व्यथा कह रही है कि यहाँ कटान हो रहा है, साहब जल्दी से कोई व्यवस्था करिए, नहीं तो नदी तो न जाने कहाँ तक गांव को लेकर चली जाएगी। उस सामने गांव का दृश्य दिखाई दे रहा है, आपको देख रहे हैं गांव, पूरे चारों तरफ गांव दिखाई दे रहा है और यहाँ SDM साहब भी मौजूद हैं, देख रहे हैं। आइए बात करते हैं सर, एक सेकंड सर, यहाँ के लोग बोल्डर के डिमांड करें, आवश्यकता है क्या? बोल्डर की अभी हम SDM साहब से बात करते हैं, विजिट कर लेते हैं वो, तो यदि बोल्डर की आवश्यकता होगी तो निमान सर देखा जाएगा उसको। सर यहाँ पर पहले से बोल्डर सन 71 में, ठीक है, SDM साहब ने बताया कि सन 71 में यहाँ पर पहले का बोल्डर लगा हुआ है। 71 से आज तक मतलब लगभग आज़ादी के बाद 71 में बोल्डर लगा, अभी तक कोई नहीं हुआ है। इस समय गांव अगर बोल्डर नहीं गिरे तो गांव सब खत्म हो जाएगा, तो हम सरकार से यही, बोल्डर काम में आ सकता है जी, बोल्डर से पहले आप सर्वे कर लीजिए, बोल्डर देखिए वहाँ पर गाँव उसी पर टिका हुआ है। ठोकर अभी हम दिखाते हैं आपको, चार ठोकर है हमारे पास, वहाँ बोल्डर अभी अभी दिखाई दे रहा है और वही हमारा गाँव को बचाया है और बचेगा, बोल्डर से ही बचेगा। वहाँ बोल्डर यहाँ आएगा तो वहाँ भी दिक्कत हो जाएगी ना, अब तो अलग से बोल्डर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गाँव के लोगों ने SDM साहब से डिमांड किया है बोल्डर की, उन्होंने कहा कि यदि कटान को रोकना होगा तो बोल्डर बहुत जरूरी है। गांव के लोग SDM साहब से बातचीत कर रहे हैं और बोल्डर से ही गांव बचेगा, इसको लेकर गांव की जनता के लोग, यहां काफ़ी भीड़ भाड़ लगी है घाघरा नदी के किनारे, आप दृश्य देख सकते हैं, पूरा गाँव नदी के किनारे आ गया, लोग डर चुके हैं कि कटान से कैसे बचा जाए। आइए बात करते हैं और भी लोगों से, साथियों से। ये चचा, ये कौन सा गांव है? रेंगा रामपुर नमरी। क्या हो रहा है यहाँ पे? धार हो रही है, कटान हो रहा है साहब, बोलिए। हाँ कटान हो रहा है, तो यहाँ कटान हो रहा है, तमाम लोग यहाँ कटान को रोकने का प्रयास हो, चचा बैठे हुए हैं, आइए बात करते हैं। चचा यहाँ क्या दिक्कत है आपको बताइए, क्या दिक्कत? कटान हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर कटान हो रहा है, यहाँ पर बहुत दिक्कत है, हमारे रेंगा पर नज़दीक में है सब गांव, गिरेगा यहाँ पर बोल्डर चाहिए, यहाँ पर बोल्डर गिरवाइए पत्थर का, हम सरकार से यही निवेदन करते हैं आके यहाँ पर बोल्डर गिरवाइए सब, यहाँ हम लोग नज़दीक गांव आ गया, एकदम घर गिरने वाला है 10 दिन के अंदर। ये गाँव गाँव ये बता रहे घाघरा नदी किनारे का रेंगा गाँव, और गाँव के लोग नदी के किनारे अब परेशान हैं और प्रशासन और शासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस गांव को तभी बचाया जा सकता है जब यहाँ बोल्डर मिलेगा। नदी को बचाने की, नदी के धारा को बचाने के लिए बोल्डर की ज़रूरत है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहे हमसे बलिया अच्छा से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।